सो नाउ वी कैन मल्टीप्लाई द डिजिट्स बाय 5. अब देखेंगे अगर हम 5 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 5 15 और 10 5 15. तो अब देखेंगे कि अगर हमने इनको 2 डिजिट से किया, लाइक अगर मैं 3 को 5 से करती हूँ तो व्हाट वी गेट हियर, 3 5 15 अपॉन, और इसी तरीके से 10 को 5 से करती हूँ तो 50. इज द सेम क्वेश्चन इज दैट जब हमने 3 को 4 से किया तो व्हाट वी गेट हियर, 12. और वेन एवर वी मल्टीप्लाई 12 बाई 4 वी गेट द 40. अब देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कि अगर हम 3 को 4 से करते हैं तो हमारा न्यूमरेटर करेक्ट आता है, लेकिन अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर करेक्ट आता है, लेकिन एक टाइम में हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इज़ नॉट करेक्ट. सो वी कैन से दैट कि अब हमारे क्या फ्रैक्शंस बन गए, यहाँ पे एक बन रहा है 15/50, एक बन रहा है 12/50, बट हमारा नंबर आना क्या चाहिए था, 12/50. सो वी कैन से दैट, सो देयरफॉर दीज आर नॉट इक्विवेलेंट, क्योंकि हमने जब एक बार मल्टीप्लाई किया तो ना तो दोनों नंबर सेम नहीं आए. नाउ वी रीड क्वेश्चन नंबर 7. ओके, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म. रिड्यूस का मतलब क्या होता है बच्चों, कम करना. हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो फ्रैक्शन है, जैसा मैंने आपको बताया था कि रिड्यूस का मतलब होता है छोटा करना. जैसे हम 4/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/2, लाइक दैट. कि आपको यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, लाइक 48/60, 150/60, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब कि आप इसको किसी ऐसे डिजिट से डिवाइड करेंगे कि जिससे वो उसका सबसे छोटा फॉर्म हो. सो लेट्स सी हाउ वी डू दिस. हेयर इज़ द नंबर, हेयर इज़ द फ्रैक्शन इज द 48/60. अब हमें इन्हें काटना है, लेकिन हम इसे कैसे काटेंगे, पहले सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, हमारी पहली डिजिट थी 48 एंड द सेकेंड डिजिट थी हमारी 60. बच्चों प्राइम फैक्टर ये हमारा जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है, ये आपने एलसीएम निकालना 5th क्लास में भी सीखा होगा. तो देखिए 48 को जब हम सबसे पहले स्मॉल नंबर क्या होता है, 1 के बाद 2 ही होता है. तो अगर हमने 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट वी गेट हियर, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 3. सो व्हाट इज़ द फैक्टर्स ऑफ इट, कि 48 को हम क्या लिख सकते हैं, कितने टाइम्स 4 टाइम्स 2 2 2 2 इंटू 3 अपॉन. अब इसी तरीके से हम 60 के फाइंड करेंगे, तो वेन एवर वी फाइंड इट हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 3 ज़ा 60, ओके 2 3 ज़ा 6 एंड 0 इज़ 0, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. अब देखिए 15 है वो किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा 5. तो हम यहाँ इसके फ्रैक्शंस राइट डाउन करते हैं, 2 × 2 × 3 × 5. अब हम देखते हैं बच्चों, दीज आर द एलसीएम फॉर्म ऑफ, कि इसके फैक्टर्स हैं. तो अब इसके फैक्टराइजेशंस को हम करते हैं, देखते हैं ऊपर नीचे क्या क्या सुई में. देखो ये 2 इज़ 2 को से कट कर दिया इसको इससे. अब देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे 3 भी कॉमन है, यस. अब ऊपर 5 नहीं है, नीचे 5 है, तो अगर हम इसे चेकआउट करते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर क्या रह गया हमारे पास एज ए न्यूमरेटर, 2 2 ज़ा 4 अपॉन ओनली 5. तो हम क्या लिख सकते हैं कि 4/5 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 48/60. नाउ द अनदर क्वेश्चन इज द 150. अब इसी तरीके से हम 150 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं. सो लेट्स सी, हियर द नंबर इज 150. यू नो हम 150 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन मल्टीप्लाई बाय 2. हम इसको 2 से कर सकते हैं, तो 2 7 ज़ा 14, 1 इज़ रिमेनिंग, 2 5 ज़ा 10. अब देखिए 75 इज़ एन ऑड नंबर, तो हम इसको 2 से नहीं कर सकते. नाउ वी डिवाइडेड बाय 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15. अब देखिए 25 है वो 3 के टेबल में नहीं आता, नाउ वी टेक द नंबर 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. अब इसी तरीके से हमारा दूसरा नंबर था 60, तो 2 3 ज़ा 6, 0, 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा. वी नो 15 इज़ एन इवन ऑड नंबर, तो नाउ वी डिवाइडेड बाय 3, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं, तो व्हाट वी गेट एज अ फैक्टर्स ऑफ 150, 2 × 3 × 5 × 5 अपॉन 2 × 2 × 3 × 5. अब हम देखेंगे कि ऊपर नीचे कितने 2s कॉमन है, ऊपर सिर्फ 1 है, तो हम इसको नीचे वाले से कट कर देते हैं. अब देखिए ऊपर कितने 3 हैं, 1, तो नीचे भी 1 है, कट कर देते हैं. ऊपर कितने 5 हैं, 2 5 है, लेकिन नीचे कितने हैं, 1 कॉमन. अगर हम देखते हैं तो ऊपर हमारे पास सिर्फ क्या नंबर बचा बच्चों, 5,
और नीचे आपके पास क्या डिजिट बची बताओ? नीचे आपके पास ओनली टू डिजिट, मतलब 5/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 150/60। तो यूजिंग दिस मैथड वी कैन फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। आप सबसे पहले क्या करेंगे, हर नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और उसी के बाद ही इन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। ओके, रमेश हैड 20 पेंसिल्स। ये बोल रही है कि अ पर्सन रमेश हु हैज़ द 20 पेंसिल, शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स। की तीन पर्सन है कि एक के पास 20, सेकेंड वन के पास 50 एंड थर्ड वन के पास कितने पेंसिल्स हैं बच्चों, 80। आफ्टर 4 मंथ्स रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स। वी नो कि रमेश के पास टोटल कितने पेंसिल्स थे, 10 थे, और उसने उस 20 थे सॉरी, उसने 20 में से कितने पेंसिल्स यूज़ कर लिए, 10 कर लिए, इट्स मीन 10 आर रिमेनिंग। इसी तरीके से जो शीलू थी उसके पास 50 पेंसिल्स थी बट शी यूज्ड 25 पेंसिल्स, एंड द जमाल हैव द 80 पेंसिल्स बट नाउ ही कंज्यूम द 40 पेंसिल्स। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप? अब आपको बताना है कि टोटल होल में से उन्होंने कितनी पेंसिल्स यूज़ किए और आप उसके लिए क्या फैक्टर्स, क्या प्राइम फैक्टर आप सॉरी क्या फैक्टर आप उसके लिए राइट करेंगे। चेक इफ हैज़ ईच हैज़ यूज अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर और हिज पेंसिल। अब आपको बताना है कि जो तीनों का जब आप चेकआउट करोगे तो उनका जो फ्रैक्शन है वो इक्वल है या नहीं। सो लेट्स वी चेक इट। एज वी नो कि रमेश टोटल पेंसिल इज, रमेश की टोटल पेंसिल्स कितनी थी, 20 थी, लेकिन उसने यूज़ कितने किए, 10। तो हमें पता है होल पार्ट हम नीचे लिखते हैं तो होल इज़ अ 20 और कितनी कंज्यूम हो चुकी है, 10 हो चुकी है। तो व्हेन वी कट आउट इट, व्हेन वी सिंपलीस्ट यू नो 0 to 0, तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ रमेश, 1/2। इसी तरीके से शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड शी यूज्ड 25, तो देखिए होल इज़ अ 50 एंड शी यूज्ड 25। अभी आप देखिए कि हम इसे कट भी कर सकते हैं, 25 and 25, 25 to 50, and the Jamal have total 80 pencils. So the whole part is the 80, और कितनी use हो चुकी है, 40, तो we cut it, okay, 4 and 4, and 4 to 8. So बच्चों देखिए, अगर हम इन तीनों के चेकआउट करते हैं तो देखिए 1/2, 1/2, 1/2, बताइए तीनों का इक्वल है नहीं है। सो हम बोल सकते हैं कि therefore each one used up equal fraction, okay, कि तीनों ने जो भी use किया वो कैसा किया, equal fraction use किया। I hope you understand this exercise very well and you can do question number 9 according to you in your book only. Okay, thank you all.